पुलिस वाले जाने नहीं देंगे। देखो प्राइवेट गाड़ी इधर से आ गई ना, आता है और बस देखो ठसा ठस भरी पड़ी है पूरी बस। बहुत अच्छा फोटो आएगी पापा, फोटो खींचूंगा। दिल्ली से है? दिल्ली से, दिल्ली से आ रहा है सीधा। अब ब्रज घाट से चल रहे हैं, वहाँ से निकल रही हैं अपनी कार से, लग रहा फंस गई यहाँ पे ना। हम जिस रोड पे चल रहे हैं यहाँ पे बाइक तो अलाउ है, मगर कार को लिए, कार के लिए शायद ये वाला ही रूट कर रखा है, सिग्नल रोड पे ही आना जाना कर रहे हैं। तो पुलिस वाली गाड़ियाँ तो चल सकती हैं, मगर कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं जा सकता यहाँ से। तो यहाँ पर थोड़ा लंबा जाम लग गया है, कावड़ के वजह से हो रहा है ये जाम ये मालूम नहीं, मगर मासी की तो रेल बन गई। तो क्या हुआ यहाँ पे, कुछ एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ ये नहीं समझ में आ रहा। पुलिस वाले जाने नहीं देंगे, देखो प्राइवेट गाड़ी इधर से आ गई ना, अब इनका खेला कर देगा। कोई गाड़ी नहीं आ सकती इस रोड पे, मतलब तुम जा भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते इस रोड से। पुलिस वाले ने रोक लिया इनको, देख लो कितनी लंबी लाइन है ये देखो। अब खड़े होके बना रहा हूँ वीडियो, पापा इधर चल रहे हैं, हम खड़े होके बना रहे वीडियो। बहुत तगड़ा, कितना लंबा जाम है बताओ। ये रात में पहुंचेंगे 10 बजे, इससे पहले पहुंचेंगे ही नहीं। वो पुलिस वाले ने रोक लिया, रॉन्ग साइड आ रहे थे बंदे, और बहुत आगे तक का जाम होगा, ये विकट वाला जाम है यार। यहाँ पे पुलिस वाली PCR खड़ी हुई है कि कोई रॉन्ग साइड ना आए कार लेकर। देखो यहाँ तक का लाइन है, यहाँ तक का मतलब हम जहाँ से आ रहे हैं ना वहाँ से मान के चलो ये 2.5-3 किलोमीटर होगा, इतना लंबा कतार से। अब देखो ये रॉन्ग साइड जा रहा बंदा, कि ना यहाँ पे खड़े रहने से अच्छा है कि ये सोच रहा होगा यहाँ से चालाकी करके आ जाएगा, यहाँ से भी पुलिस वाले नहीं जाने देंगे। और ये वाली रोड एकदम खाली खाली है अभी, इन बस वालों का नहीं मालूम कितने लंबे जाम में फंसने वाले बस में जितने सवारी होंगे। अभी बड़े मज़े से जा रहे हैं, हमें रोड मिल गई खाली, हमारे पीछे आप कोई कार वार नहीं दिखेगी। देखो आपको शीशे में साइड मिरर में देखो कोई कार नहीं दिखेगी, बाइक तो दिख सकती है, कार नहीं दिख सकती हमारे पीछे। हम मस्त हैं अभी, अब हमारे हम इस रोड के हम राजा हैं। और मैंने अभी पापा की ना एक रील बना रहा था बाइक पे चलते चलते, तुम्हारा भाई एडिटिंग कर लेता है, देख लो। ये देखो ये पापा की रील देख रहे हो। अभी मैंने शूट करी है S24 से, और बड़ा कमाल का कैमरा है यार, मानना पड़ेगा, शेक नहीं है। देखो वो जरा सा भी जिटर नहीं है, और इतने स्मूथ वीडियो बना रहा है। आईफोन मैं सोचता था एंड्रॉयड के बस की है ही नहीं ये चीज़ करनी, मगर ऐसी चीज़ें पॉसिबल है S24 के साथ। S24 हो गया, S24 Ultra हो गया, ये सब कर सकता है। अब मैं इसको रेंडर पे लगा देता हूँ, 1080p में 60fps पे निकाल रहा हूँ मैं इसका एक्सपोर्ट। देखो हमने बना दी वीडियो, बस अब एक ये स्टोरी पे लगाऊंगा ये वाला, चलते चलते मैं एडिट कर लेता हूँ। बाकी हम पूरी गाड़ी की 2 पॉइंट रीडिंग गिरी है, गाड़ी कितनी चल गई है, 116 किलोमीटर चल गई है जब से मैंने फ्यूल डलवाया है, और स्मूथ चला रहे हैं हम दोनों बाप बेटे एकदम एवरेज निकालते हुए। पल्सर भी 50 से कम का नहीं दे रही होगी एवरेज मेरी गाड़ी, ये वाली 2019 मॉडल है, ये 50 का एवरेज निकालती है मेरे हाथ में। अगर इस तरीके से चलाओगे ना इसे आराम से, तो ये 50 से 58 का बीच का एवरेज निकालती है हाईवे पे, विदाउट गियर स्विच करे।
अब जाम में फंस गए हैं तगड़ा वाले, अब खड़े ही रहेंगे मासी। तो इसीलिए बाइक बहुत पसंद है गाइस, बाइक से अच्छी कोई चीज़ नहीं है इस टाइम ट्रैवल करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे देखो नाका लगा हुआ है, कार वालों को भी जाने नहीं दिया जा रहा है कि आपको यू टर्न लेके जाना पड़ेगा आगे से। तो ये पूरा रास्ता है ना कावड़ वालों के लिए ही खाली करा हुआ है, तो हम लोग निकल पा रहे हैं क्योंकि हम लोग बाइक पे हैं, सारे कावड़िए घूम रहे हैं इस वाले रास्ते पर। और इधर वाली रोड पे अब जाके एक कार दिखी मुझे जाती हुई, वरना तो जाते हुए कोई गाड़ी दिखी नहीं रही थी, जाम लगा हुआ है उधर पीछे। अब जल्दी खुल जाएगा जाम तो वो लोग पहुँच जाएंगे, नहीं तो वहाँ पर खड़े रहना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रैफिक तो बढ़ ही रहा है। देखो यहाँ पे जा रहे हैं ना भोले जा रहे हैं, देखो दो भोले जा रहे हैं जल लेके जा रहे हैं, देख लो देखो यहाँ पे जा रहे हैं कावड़िए। डीजे वीजे लगा के जा रहे हैं, मगर आज राइड करने में बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि इस रोड पे ना कार है ही नहीं, जिस रोड पे हम चल रहे हैं जिस पर कार ही नहीं दिखेगी। आप सेफ चला रहे हो बिल्कुल, मतलब पहले कार वालों के लिए रोड बनाया हुआ था कि हाँ भाई उस पर बाइक जाएगी तो 20,000 का चलान कटेगा, यहाँ पे तो चलान ना भी कटे मगर जाने ही नहीं दे रहे कार वालों को, पहले ही घुमा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये रोड नहीं जा रही है आपके लिए, ये बाइक वालों के लिए है। तो बाइक वालों को अलाव है, और जो ये बड़ी गाड़ी गई है ना डीजे रख के कावड़ियों के लिए, तो इनको अलाव है जाना। बाइक की शर्ट पूरी गंदी हो गई, पीछे से कीचड़ कीचड़ फेंका हुआ है, कीचड़ ही कीचड़ हो रही है गाड़ी पूरी सभी की, रोड ही ऐसी हो रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के जा रहे हैं सब लोग, गांव में तो ट्रैक्टर ट्रॉली में ही जाते थे पूरे गांव के जितने भी बाती रहते थे, एक बंदा अपने ट्रैक्टर उठा लेता था ट्रॉली में मतलब बांधा और निकल गए। मैं तो ट्रॉली में भी बैठा हूँ, एक बार बहुत तगड़ा कांड हो गया था ट्रॉली में, हम लोग स्कूल से जा रहे थे बच्चे सारे ट्रॉली में भर के, और ट्रॉली के पीछे आगे का हुक जो होता है वो हुक खुल गया और ट्रॉली पूरी पलट गई पीछे की तरफ। वो तो अच्छा है कि मैं ट्रैक्टर वाली साइड पे था, ट्रैक्टर के जो बड़े पहिए होते हैं, मगर वहाँ पे ख़तरा भी था कि अगर मैं उसके बीच में गिरता तो मेरे को चोट आ सकती थी, मगर मैंने क्या करा जैसे गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसे पलटी खड़ी हुई तो मैंने पकड़ के मैं लटक गया था उस पर, मैंने हाथ नहीं छोड़ा अपना, अगर मैं हाथ छोड़ देता तो मेरा बहुत ज़्यादा चोटें आती। और साथ में मैंने खुद तो अपने आप को बचाया, एक बहुत बुजुर्ग अंकल थे वो भी जा रहे थे फिसल के, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था, नहीं तो उनको चोट लग सकती थी, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया तो वो भी लटक गए थे, उनको मैंने रोक लिया था कस के। तो ऐसे ऐसे कांड हो गया था, स्कूल से पिकनिक जा रहे थे ना पता नहीं कहाँ जा रहे थे, बहुत छोटेपन की बात है वही बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी गाइस इस रास्ते का लास्ट टोल दिख रहा है मुझे, 1 किलोमीटर दिखा रहा है टोल प्लाजा यहाँ से दूर, तो ये वाला अमरोहा के आसपास का ही पड़ता है टोल, क्योंकि हमने छिजार से पार करा फिर उसके बाद गड़का पार किया, अब ये वाला है लास्ट टोल, अब ये वाला टोल पार कर देंगे फिर हम पहुंच जाएंगे। और अभी मैं सीधे मामा के घर जाऊंगा क्योंकि कार में ही अपना सामान पड़ा है तो वो भी सामान लेना है। देखो यहाँ पे भी कावड़ी हैं बहुत सारे, सरकार का तो टोल वोल कुछ कट ही नहीं रहा होगा अगर गाड़ियाँ नहीं आ रही होंगी तो, वैसे तो आएंगी गाड़ियाँ मगर आगे जा के आएंगी। देखो सारे ही कावड़िए वाले खड़े हुए, इधर से तो पुलिस वाले सब ने हमें इधर का रास्ता दिखा दिया। इधर से निकल के हम इस साइड तो जाएंगे नहीं, इधर से ही जाएंगे। बाइक वालों के लिए तो ये मज़ा है कि हम कहीं से भी निकल के जा सकते हैं। अब यहाँ पे रास्ता सूखा सूखा सा दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ पे बारिश ही नहीं हुई ऐसा लग रहा है, और मौसम साफ भी हो गया पहले से, पहले इतना मौसम साफ़ नहीं था। अब इस फ्लाई ओवर पर चढ़ेंगे देखो खेती खेत दिखेंगे, गन्ने के खेत हैं ये, और सूरज कितना बिंदास लग रहा है। बहुत अच्छा फोटो आएगी पापा, फोटो खींचूंगा।
थोड़ी सी गाड़ी पीछे करो, तुम्हारी गाड़ी का फेस नहीं दिख रहा। हाँ अब सही है। अरे इसका कैमरा लेंस गंदा हो रहा है यार, इतनी फोटो खींच दी मैंने, कैमरा लेंस साफ नहीं करा। अब आएगा साफ। मैं तभी बोलूँ गंदा सा क्यों लग रहा है ऐसा, इतना साफ आता है इसका कैमरा। बढ़िया ये फोटो, ये वाली तो थोड़ी ख़राब हो गई, मैं AI से साफ हो जाएगी। सूरज हाँ वो थोड़ा डूब भी गया ना बादलों के पीछे, देखो ना बादल आ गए हैं उसके मुंह पे, पहले सही था गोल था। ये वाला ऐसे आया, इसमें गाड़ी छुप रही थी ना, मैं तुम्हारी रील भी बना दी चलते चलते मैं। देखो रील बनाई है तुम्हारी, कहाँ गया ये वाला, देखो एडिट करा है मैंने रास्ते में चलते चलते। ये वाला देखो एडिट करके बनाया है, ऐसा लग रहा है उल्टा घूम रहा है। फोटो खींच ली है। सो गाइस अभी हम लोग ना यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटो वोटो भी, कुछ फोटो खेत दिख रहा इधर की तरफ, देखो लोग इधर की तरफ दो। हाँ देखो अब आएगा बस फोटो, ऐसे रखो ये कौन ही रखो इस पर, ये थोड़ा सा जूम करके लेता हूँ, ये वाला अच्छा है बस। पापा चला रहे हैं लीली को, मैं सनोरिटा को चला रहा हूँ, अब इसको चला रहे हैं बहुत दिन बाद में हाईवे पे। मैंने लोकल में तो चलाया मगर हाईवे पे थोड़ा अलग है, पल्सर का ये चीज़ अच्छा लगता मुझे, जो डैल है ना इसका। इसका कलर थोड़ा दूर छूट रहा है, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी साइड मिरर को सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटो खींची, सनसेट हो रहा था ना तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खींच ली जाए। और बहुत दिन बाद अपनी सनोरिटा चला रहा, देखो इसमें कोई बबलिंग नहीं है, हैंडल छोड़ दो इसमें चलती जाएगी चलती जाएगी, उसके में है ना बहुत दिक्कत होती है। अब मैं तो उसमें ना कितनी भी कम स्पीड में हैंडल छोड़ सकता हूँ मगर उसमें नहीं छोड़ सकता, उसमें यह दिक्कत है। भाग रही है भयंकर, तगड़ी भाग रही है। पल्सर में तो मज़ा ही आता है, और इसका पोस्टर है ना थोड़ा झुक के है ना, तो स्पोर्ट बाइक वाली फील आ रही है। उसमें तो मैं अपराइट बैठा रहता हूँ तो उसमें कंफर्टेबल ही है लंबे उसके लिए, और पापा को है ना वो बैठ के अच्छी लग रही होगी क्योंकि उसमें बैठ के चलते हैं ना, तो ये है फ़र्क। बाकी मासी और मम्मी को भी फ़ोन करके पूछा था तो वो लोग है ना पीछे हटके पड़े हैं, क्योंकि ये कांवड़ वालों के लिए जो रास्ता खोल रखा है ना ये इधर वाला खाली है, तो इसके वजह से थोड़ा ट्रैफिक हो रहा है क्योंकि दोनों रोड पे आना जाना कर रहे हैं, तो कंजेस्टेड हो गया थोड़ा एक सिंगल पे देख लो, और थोड़ा ख़तरा भी है। देखो एक तरफ से गाड़ियाँ ओवरटेक भी करती हैं, और ओवरटेकिंग अलाव नहीं है जबकि जब सिंगल रोड पर ही आपका आना जाना लगा हुआ है। तो बहुत दिन बाद चला रहा हूँ मैं पल्सर, पुलिस वाला देख रहा था बड़े गौर से कि इस पर कैमरा लगा हुआ है हेलमेट पे, देखो इसमें नहीं है इतनी बबलिंग, और इसके जो टायर है ना इसमें रेडियल टायर डले हुए हैं इस वाली बाइक में मेरे, तो रेडियल टायर में ना मैं कितनी भी कॉर्नरिंग कर सकता हूँ मज़े से, मगर इतनी भी नहीं कि मोटो GP बना दूँ मैं, मोटो GP नहीं मगर उसके 70% तक का तो कर सकता हूँ, झुका सकता हूँ मैं गाड़ी जितनी मोटो GP में चिपका के निकालते हैं, 70-80% में चिपक के निकलेगी। और इसके टायर है ना ऐसे हैं कि ऑफ रोडिंग करो कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे सारी रोड है ना तोड़ के पीछे करी गई है, नहीं तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना आगे की तरफ थी मेन रोड पे, तो अब थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है पहले से। और अभी हम जोया में हैं, जोया आ चुके हैं, तो मुरादाबाद में थोड़ा देख दाख के चलाना पड़ता है। मुरादाबाद यहाँ से दिखा रहा है 37 किलोमीटर,
ये वाला फ्लाईओवर तब बन रहा था जब मैं आना जाना करता था यहाँ से, अब तैयार हो चुका है तो अब आराम से आना जाना कर रहे हैं लोग। और इसके सस्पेंशन है ना बहुत हार्ड लग रहे हैं मुझे उसके मुकाबले लीली के। इसके पिछले ब्रेक थोड़े कम लगते हैं, ये देखना पड़ेगा, ज़ोर से दबाने पे लगते हैं इसके ब्रेक। मैंने ब्रेक अभी चेक नहीं किया क्योंकि नई गाड़ी पे बैठो और पुरानी गाड़ी में बैठो तो ब्रेकिंग का बहुत डिफरेंस आता है। और बस देखो ठसाठस भरी पड़ी है पूरी बस। यहाँ पे नीचे मार्केट लगता है सब्जियों की मंडी, जैसे गाँव में लगता था वैसे ही लगता है यहाँ पर अभी भी, तीन सेट के नीचे जो सब्जियाँ बेचते हैं। मैं बिजनौर में रहता था वहाँ पे भी ऐसे ही बेचते थे सब्जियों की। देखो सोगाज, देखो हमारे सामने कितने लोग कांवड़िए जा रहे हैं और यहाँ पे डांस भी हो रहा है। देखो आपको डांस दिखाते हैं, ऐसी झांकी जाती है कावड़ के टाइम पे, डांस करते हुए जाते हैं शिव जी पार्वती बनके, तो अच्छा लगता है। पापा स्लो हो गए मुझे देख के कि मैं स्लो हो गया चलो 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 जल्दी, अब आगे ना कावड़ी कावड़ दिखेंगे देखना। ये देखो यहाँ से आ रहे हैं कावड़ी है। जा भी रहे हैं इस रूट पे और आ भी रहे हैं। ये देखो ये वाली टीम दिख रही है, ग्रीन नियॉन कलर के पहन रखा है। अब ये डाक कावड़ी है भाई लोगों का, देखो भाग रहे ना देखकर। ये देखो ये दिया, अब भाई भाग रहे हैं, देखो भाई भाग रहे हैं, देखो ये वाले भाई पकड़ लेंगे। ऐसे सारे रास्ते हैं ना पकड़ते पकड़ते जाएंगे ये लोग, उतर जाएंगे इनमें से कुछ लोग, फिर आगे जाके खड़े हो जाएंगे। मजे ही मजे, मजे ही मजे। गाइस अंधेरा हो रहा है, ज़्यादा इस वीडियो को लंबा ना करेंगे, अब बस सीधे वहाँ पे पहुँचेंगे और ब्लॉग एंड कर देंगे, ठीक है ना। जितना हो सका मैंने यहाँ तक का जितना भी कैप्चर किया, अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक करना, क्योंकि ये ऑफिशियली है ना फर्स्ट राइड है मेरे डैड के साथ, मतलब मेरे पापा के साथ, जो कि मैंने यूट्यूब पर अपनी डाली। क्योंकि देखो अब ऐसी चीज़ें हैं ना बार बार हो नहीं पाती है, कभी कभी पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि पापा कभी जाते हैं मुरादाबाद, कभी कभी मैं जाता हूँ, पापा और कहीं जा ही नहीं पाते इसके अलावा, क्योंकि देखो घर के काम, घर पे जो कमाने वाले हैं हमारे मेन तो पापा ही हैं। तो पापा को मैं तो चाहता हूँ कि ना कि मेरा चैनल जल्दी से चल जाए, फिर पापा और मैं मिल के पूरा घूमा करेंगे। तो मैं भी चाहता हूँ कि ना कि मेरी फैमिली को मैं घुमाऊँ साथ में, तो वो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं अपनी फैमिली को ना मतलब आपके बदौलत मतलब मैं कर पाऊँगा कुछ अपनी फैमिली के लिए। तो प्लीज़ चैनल पे प्यार दिखाओ और चैनल को थोड़ा और भाइयों तक का पहुँचाओ, शेयर करो मेरी वीडियो को और लाइक ज़रूर करके जाया करो, कमेंट करा करो कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या पार्ट अच्छा नहीं लगा, वो भी कमेंट करा करो, मुझे पता चले जिससे कि आपको क्या चीज़ अच्छी चीज़ लगती है और क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो मैं वही चीज़ दिखाया करूँगा। बाकी मैंने थोड़ा सा सिनेमैटिक शूट किया था बाइकों का, अब देखेंगे वो एडिट करेंगे, मगर ना मैं ये लैपटॉप से डालूँगा ये वाली वीडियो। तो अभी ये वाली वीडियो में जितना भी डाटा होगा ना तो मैं इसको देखूँगा, या तो फ़ोन में स्टोर करूँगा या फिर इसके उसमें ड्राइव में इंस्टॉल करूँगा, क्या कहते हैं गोप्रो की। और अंधेरा होता जा रहा है, जल्दी से जल्दी पहुँचना है मुरादाबाद, अब ज़्यादा दूर होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 किलोमीटर और होगा, क्या होगा 20 या 25 किलोमीटर होगा। और कल रक्षाबंधन है, पता क्या मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊँ रक्षाबंधन का, बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। A few moments later. मुरादाबाद में हम एंटर हो चुके हैं, देख लो ये नया गेट है मुरादाबाद का, एंटर हो चुके हैं, बोर्ड दिख रहा होगा आपको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, यहाँ पे नया मुरादाबाद है। तो गाइस हमें टाइम लगभग मैं बताऊँ कितना हो गया है चलते चलते, 7:08 हो रहे हैं देख लो। हम लोग वहाँ से चले थे 3:20 पे,
और फिर गढ़ पे भी रुके थे तो सही आ गए। ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें आने में, बाकी मासी तो फंस गई। यहाँ पे भी पंप खुल गया, ये बढ़िया हो गया। HP का पेट्रोल पंप मैंने यहाँ पे देखा नहीं था पहले कभी। 4 महीने बाद आ रहा हूँ मैं और HP का पेट्रोल पंप भी खुल गया यहाँ पर। यह है 52 कोटी। ये ले तेल का ऑमलेट, बैठे बैठे तेल का ऑमलेट बच चुका है अपना बाइक पे। ये लो गाइस, हम गांगन क्रॉस कर चुके हैं कंप्लीट, क्योंकि ये वाला पुल जो है ये गांगन पुल है कहलाता मुरादाबाद का। जो मुरादाबाद से हैं कमेंट जरूर करना। आ गए हम मुरादाबाद। यहाँ पे हमारे एक भाई थे, उन्होंने गाड़ी ली है, परचेस की है एक्सट्रीम। उन्होंने फ़ोन किया था मुझे, तो मैंने उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करी थी, बताया था उन्हें कैसे कैसे क्या करना है नई गाड़ी लेते वक्त। तो भाई ने बोला था कि आप आओ तो बताना, मिलेंगे। मैंने बोला मिल लेना, कोई बात नहीं। बाकी अगर उनका कॉल मैसेज आएगा तब पता चलेगा। नेक्सा का शोरूम है यहाँ पर, कोई नई गाड़ी दे रहा भाई, आज उसका दिन बढ़िया होगा। यहाँ पे थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, मुरादाबाद के लोग हैं ना रास्ता देख के क्रॉस नहीं होते हैं। भाई साहब ये तो धुआं ही धुआं उड़ा रहा बंदा। UP 21 भाई, गाड़ी में कुछ करो, कुछ लेते क्यों नहीं गाड़ी के लिए। एक बंदा कार लेके आ रहा है उड़ाता हुआ, इसको साइड दे दो आगे। स्कॉर्पियो वाले ना मंत्री समझते हैं अपने आप को ओ हरियाणा से भैया, वो भी गाड़ी ख़त्म, गाड़ी HR 51 चला रहा है यहाँ पर। डीजल होगी ना, 10 साल पूरे हो गए होंगे अब यहीं पे चलेगी गाड़ी, 5 साल UP में ले आया होगा वहाँ से। इस वाले शोरूम पे पहले मैं करता था काम, वास ओरिजिन पे नीचे यामाहा में। गाइस बारिश शुरू हो चुकी है, यहाँ पर आते आते मामा के घर के पास ही हूँ मैं। और भाई क्या हाल है? दिल्ली से है? दिल्ली से आ रहा है सीधा है? पापा भी आ रहे हैं पीछे, बाइक पे ही हैं वो भी। वो बाइक से आ रहे हैं? हाँ। तो अकेला आ रहा है? हाँ, एक कार भी आ रही है ना, मासी भी आ रही है ना। अच्छा। मासी मम्मी फंस गए वहाँ पे, वो कावड़ वाला रास्ता है ना खुला हुआ, कार नहीं आ सकती, बाइक तो साइड से निकल के आ गई, तो वो अभी फंसे हुए हैं जाम में। चलो ठीक है। सो गाइस घर तो पहुँच ही गए हम लमसम, और टाइम हमें हो गया पूरा पूरा आते आते रुकते रुकते भी, तो 7:13 हो रहे हैं, 7:15 हो ही गए। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, एक्सेलेंट राइडर, लिव फ्री राइडर, बाय बाय। हाय राम, खोलो गेट, गाड़ी अंदर ही घुसानी पड़ेगी, जगह कम है, गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी है बाहर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।